हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल क्रेजी टेक ऑफिशियल पे और आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। आज के इस वीडियो में मैं अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूं बोया बाई M1 माइक की, जिसकी ऑडियो क्वालिटी बहुत ही बेहतरीन है, जो कि आपको देखने को मिल जाएगा 700 से लेके 800 के प्राइस रेंज में। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का ये वीडियो बहुत ही पसंद आएगा। अगर अभी तक से आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल वाले बटन को दबा के आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ घंटी को भी बजा लीजिए कि आपको हमारे चैनल पे टेक्स रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस देखने को मिलते रहते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैं इस माइक को अमेजोन से ऑर्डर किया था, जैसा कि आप देख सकते हैं कि अमेजोन का पैकेजिंग आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो चलिए अब हम इस पैकेज को फाड़ लेते हैं। तो ये पैकेज फट गया है। जैसे ही हम इस पैकेज को फाड़ते हैं आपको बोया का बॉक्स देखने को मिल जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं बोया बाई M1 माइक लिखा हुआ है इस सामने के बॉक्स पे। अब चलिए मैं इसके बैक साइड दिखा देता हूँ। इस बॉक्स के बैक साइड में आपको एक इस माइक के बारे में फीचर्स देखने को मिल जाता है, स्पेसिफिकेशंस देखने को मिल जाता है, जो कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए अब हम इस बॉक्स को जल्दी से ओपन कर लेते हैं और आपको दिखा देते हैं कि इस बॉक्स में और क्या क्या चीज़ दिया हुआ है। जैसे कि हम इस बॉक्स को ओपन करते हैं, इसके बाद हमें इस बॉक्स के अंदर एक बोया का एक लेदर बैग देखने को मिल जाता है, जिसपे बहुत अच्छे तरीके से बोया का ब्रांडिंग दिया हुआ है। तो और भी चीज़ हम देख लेते हैं कि और भी क्या क्या हमें इस बॉक्स के अंदर देखने को मिल जाता है। तो जैसे ही हम इसे ओपन करते हैं आपको एक बोया का एक मैनुअल कार्ड भी देखने को मिल जाता है। अगर आप चाहते हैं तो आप इसे पढ़ ले या फिर आप इसे साइड में रख ले। फिर आपके उसके बाद आपको एक प्लास्टिक बैग देखने को मिल जाता है, जिसके अंदर बहुत सारे और भी गैजेट्स दिए हुए हैं। तो चलिए हम इसे ओपन करके देख लेते हैं कि हमें क्या क्या मिल जाता है। तो इसके बाद हमें एक विंडफॉर्म देखने को मिल जाता है, जिसे हमें अपने माइक के ऊपर लगा लेना है माइक को यूज़ करते वक्त। इससे चलिए अब हम इसे साइड में रख लेते हैं। अब आपको एक देखने को मिल जाएगा एक जैक। फिर इसके बाद आपको एक बैटरी देखने को मिल जाएगा, जिसे मैं आपको बताऊँगा वीडियो के आगे कि आपको इसे कब और कैसे यूज़ करना है। और इसके बाद आपको एक देखने को मिल जाता है इसके अंदर एक क्लिप, और बस इतने ही सारे देखने को मिलते हैं। जेल दिया हुआ है। तो चलिए अब हम अपने इस बोया माइक को ओपन करके देख लेते हैं कि ये माइक कैसा है और इसमें क्या क्या फीचर्स है और कैसे यूज़ होता है। तो जैसे ही हम इस लेदर बैग से इस बोया माइक को निकालते हैं तो आपको इस टाइप से ये जो माइक है देखने को मिल जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि बोया का ब्रांडिंग किया हुआ है इस माइक के ऊपर, जो कि इस माइक को और भी खूबसूरत बनाता है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर आप स्मार्टफोन से अगर आप अपने वीडियोस को रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो आपका जो यहाँ पे माइक है आपको नीचे साइड रखना है इस स्विच को। अगर आप DSLR कैमरा से अगर अपने वीडियोस को रिकॉर्ड करते हैं तो ये जो स्विच है आपको इस स्विच को ऊपर कर लेना है। तो गाइज़ अभी तो मैं अभी अपने वीडियोज़ को स्मार्टफोन से ही रिकॉर्ड करूँगा, तो मैं इस स्विच को नीचे कर लेता हूँ। और जो आप इस वायर को देख रहे हैं, ये वायर 20 फीट लंबा दिया हुआ है, जिसमें आपको अपने वीडियोज़ को रिकॉर्ड करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। डिस्टेंस से भी आप अपने वीडियोस को आराम से रिकॉर्ड कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस बोया के माइक से अगर आप स्मार्टफोन से रिकॉर्ड करते हैं तो आपको इसमें बैटरी प्लेस करने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आपके स्मार्टफोन से बैटरी को कंज्यूम करता है। अगर आप DSLR कैमरा से अगर आप अपने वीडियोज़ को शूट करते हैं तो आपको करना क्या होगा कि जो आपको ये सेल दिख रहा है, आपको इस सेल को अपने इस माइक को यहाँ से ओपन कर लेना है। और माइक को ओपन करने के बाद आप यहाँ पे एक प्लेस देख सकेंगे। जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, आपको इस जगह पे आपको इस बैटरी को अच्छे तरीके से प्लेस कर लेना है। तो अभी तो मैं फ़िलहाल अपने स्मार्टफोन से ही अपने वीडियोस को रिकॉर्ड करूँगा, तो मैं इसे अभी बंद कर लेता हूँ और आगे मैं आपको और भी सारे फीचर्स बता देता हूँ जो इसमें दिए हुए हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक विंडफॉर्म दिया हुआ है, जो इस विंडफॉर्म को आपको अपने माइक के ऊपर में लगा लेना है। तो आप मैं आपको वो दिखा देता हूँ कि आप इस विंडफॉर्म को कैसे अपने माइक पे लगा सकते हैं। तो इसे इस टाइप से लगा के आपको थोड़ा स्क्रॉल करके अंदर इसे पुश करना है। तो आप देख सकते हैं कि अच्छे तरीके से इसके अंदर प्लेस हो गया है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि आप अपने इस क्लिप को कैसे आप अपने इस माइक में फिट कर सकते हैं। तो इसे आपको ओपन कर लेना है और इस क्लिप को आपको बाहर निकाल लेना है अपने इस प्लास्टिक पॉली बैग से। इसके बाद जो आप देख सकते हैं कि जो आपका ये माइक है, इस माइक के अंदर ये जो आप ये देख सकते हैं इसका ये प्लेस, इसे आपको यहाँ से ऐसे ये जो जगह आपको दिख रहा है इसी में आपको ऐसे करके थोड़ा यहाँ पे ऐसे प्लेस हो जाता है। तो
तो इसके साथ जितने भी सारे गैजेट्स दिए हुए थे मैंने आपको सारे गैजेट्स को बता दिया है कि आपको उस गैजेट्स को कहाँ कहाँ पे कैसे पुट करना है और आप उनका कैसे यूज ले सकते हैं। तो गाइस चलिए अब हम इसके आगे चलते हैं और अब हम इस बोया माइक की ऑडियो टेस्टिंग कर लेते हैं। अभी तक से आप जितने साउंड क्वालिटी आप सुन रहे थे पूरे वीडियोस में वो डायरेक्ट रिकॉर्ड हो रहा था हमारे स्मार्टफोन से, जो कि आपको अच्छा सुनने में नहीं लग रहा होगा। और अब आप जो ऑडियो क्वालिटी सुन पा रहे होंगे वो डायरेक्ट आ रहा है बोया बाई M1 माइक से। तो अब आप ये दोनों में डिफरेंस समझ पा रहे होंगे किसकी साउंड क्वालिटी बेटर आ रही है। तो गाइस जैसा कि मेरे को लगता है कि ये जो बोया बाई M1 माइक है इससे बहुत ही स्वीट साउंड आप सुन पा रहे होंगे, जो कि वीडियो की ऑडियो क्वालिटी को और बेटर बना देती है और आपको देखने में और भी इंटरेस्टिंग लग रहा होगा। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो बढ़िया लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ हमारे कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये माइक कैसा लगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।